शनिवार को भागलपुर में जदयू नेता को बदमाशों ने बीच सड़क पर अर्धनग्न कर लाठी डंडे और लात घूंसे से उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान जदयू नेता राजदीप राजा बदमाशों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन बदमाशों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी पिटाई करते रहे। बताया जा रहा है कि किसी जमीन के विवाद को लेकर हमलावरों ने राजदीप राजा के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वती चौक के समीप की है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची, जिसके बाद राजदीप राजा को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि जदयू नेता के करीबी सूरज कुमार यादव एक खाली प्लॉट पर काम करवा रहे थे, तभी धनंजय यादव, कन्हैया यादव, पलटू यादव 20 अज्ञात लोगों के साथ जमीन पर पहुंचे और मजदूर को पीटने लगा। इस दौरान आरोपियों ने प्लॉट पर लगे मशीन को फेंकना शुरू कर दिया और काम को बंद करवा दिया, जिसके बाद सूरज ने घटना की जानकारी राजदीप राजा को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भागलपुर जदयू के महानगर अध्यक्ष राजा यादव मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बदमाशों ने राजदीप राजा को सड़क पर घेर कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वहीं अस्पताल में इलाजरत राजा यादव ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसके पास से एक कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। CTSP राज ने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और जल्द ही घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा नाम रणवीर यादव है, मैं स्वर्गीय श्री कमेश्वर प्रसाद यादव का पौत्र हूँ। ये हम लोग का प्लॉट है, तो धनंजय यादव, कन्हा यादव, गौरव यादव और नरेंद्र यादव, ये चार भाई हम लोग के मतलब दादा के गुजरने के बाद हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दूसरे लोग को बोलते हैं कि नहीं ये लोग को मार देंगे। तो हम लोग के जो मित्र थे श्री राजा यादव, जो जदयू के महानगर अध्यक्ष हैं, वो हम लोग के यहाँ पे जमीन पे बैठने के लिए आए थे, उस दुकान में बैठे थे। हम दोनों यहाँ पे खड़े थे, उनसे बात कर रहे थे। वो चारों भाई उधर से आए और बिना कुछ सोचे समझे कहे उनको मारना शुरू कर दिया। उनको नग्न अवस्था में करके यहाँ से मारते मारते पर्वती चौक तक लेके गए और हमारे पास सारा उस चीज़ का साक्ष्य और प्रूफ है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमें न्याय मिले। किस मकसद से आए थे? बोलो, जान से मारने के मकसद से आए थे। किस वजह से? आपसी दुश्मनी पले थे? नहीं, आपसी दुश्मनी नहीं थी, पर वो लोग हम लोग से मतलब हमेशा कुछ कटाक्ष खोजते रहते थे और हमारे दादा के मरने के बाद वो लोग हमसे मतलब जबरदस्ती कर रहे थे कि ज़मीन पर हथिया लेंगे। ये ज़मीन हथियाने के मकसद से ये वो लोग यहाँ पे आए थे। हुआ था कि मैं सूरज कुमार अपने प्लॉट पे कल से काम लगवा रहे थे, कल से काम करवा रहे थे, पानी सुखवा रहे थे, तो कल दिन भर भी काम हुआ। उसके बाद शाम में लेबर चला गया। आज सवेरे जब लेबर आया 8 बजे पानी लगा के चला गया। 9:30 बजे धनंजय यादव, कन्हा यादव, पलटो यादव उर्फ नरेंद्र यादव, छोटू यादव उर्फ गौरव, ये चारों भाई अन्य 10 लोग के साथ, जिसमें कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी तिलका मांझी के जो गार्ड हैं वो भी आए थे। MBA डिपार्टमेंट में वो गार्ड हैं, वो भी आए थे, मतलब 10-12 गार्ड भी थे। वो लोग सब आके प्लॉट पे मेरे मशीन को खोल के फेंक दिए, मशीन लेके भी भाग गए, मशीन भी ले गए, लेबर को मारा भी। अभी क्या हुआ था? उसके बाद फिर बिल्डर आए, एक हमारे भाई हैं मोहन नगर अध्यक्ष राजकुमार यादव राजा भैया, वो आए थे, वो आके प्लॉट देखे। उसके बाद वो बोले कि इंस्पेक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, बस बैठे हुए थे तब तक धनंजय यादव फिर से, जितने लोग पहले थे उतने लोग फिर से तुरंत आए, आने के साथ मेरे दुकान में मारपीट करना शुरू कर दिए। उनको पूरा लहू लहान करके नंगा अवस्था में उनको घिसते हुए पर्वती चौक पे लेके, वीडियो का प्रूफ भी है, चौक पे लेके गए। उसके बाद उधर से जब लौटे तो छोटू यादव धनंजय यादव को बोला कि सूरज यादव का भी घर जो खटाल है इसको पूरा खाली करवा देंगे। यही घटना हुई थी, फिर हम प्रशासन को खबर किए, उनको मार पीट के उधर से उधर भगा दिए। किस मकसद से? जान से मारने के मकसद से। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र स्थित प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रबंधक समेत 3 लोगों को बदमाशों ने हथियार के बट से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम बांका के प्रशांत कुमार, युगल किशोर उर्फ विमल किशोर एवं कन्हैया कुमार पेशेंट लेकर क्लिनिक पहुंचे थे, जहां क्लिनिक में पहले से एडमिट किसी और मरीज का
इलाज चल रहा था। इसी दौरान कन्हैया ने डॉक्टर पर दबाव बनाया कि सबसे पहले मेरे मरीज का इलाज किया जाए। इस दौरान बदमाशों ने नर्सिंग होम के कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। वहीं शनिवार को इन लोगों ने फोन कर चाय पीने के लिए बुलाया, जिसके बाद बदमाशों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया, जहाँ कन्हैया कुमार अज्ञात 10-15 लड़कों के साथ हाथ में लोहे का रॉड एवं पिस्टल लेकर सीएमएस स्कूल के बगल में चाय दुकान पर आए, जहां बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले उसकी पिटाई की और उसके बाद उसे थूक भी चटवाया। घटना में तीनों घायल इलाज कराकर पुलिस से शिकायत करने पहुंचे। घायल राजेश पासवान ने बताया कि चाय दुकान पर बदमाशों ने बुलाया और उसके बाद हथियार का भय दिखाकर जान मारने की कोशिश करने लगा। राजेश ने बताया कि बदमाश 15 से 20 की संख्या में थे। सभी ने मिलकर अस्पताल के प्रबंधक समेत 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ये है सर कि ड्रेसिंग कराने आए, एक लड़का का ड्रेसिंग करवाने आए तो हम दूसरे का ड्रेसिंग कर रहे हैं। वो बोल रहा था कि मेरा पहले करो, जब सर जिसको लेटाए हैं ड्रेसिंग के लिए उसको पहले हटाएंगे तब ना दूसरे को लेंगे सर। तो वो नए बोला नहीं मेरा ही करो, पूरा हंगामा करने लगा। तो हमारे मैनेजर साहब अंबू झा हैं, वो समझा बुझा के भेज दिए, बाहर चले गए। वो शाम में वो 20 लड़का के साथ आया, फिर चाय पीने अंबू झा के बुला के प्यार से बुला के चलिए आते हैं सर, ऐसे ऐसे चाय पीना है। तो बोले कि चाय हम नहीं पीते हैं, तो चलिए बिस्कुट खा लीजिएगा सर। तो वहाँ गए, वो लड़का 15-20 तो पहले से हथियार रॉड उड और बॉस का टुकड़ा लेके था। पहचानते हैं? हाँ बढ़िया, उसका जो पेशेंट है सर मेरा वो हॉस्पिटल का है। कौन हॉस्पिटल का मामला है? डॉक्टर प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल का वो पेशेंट है, उसका भाई का इलाज कराने आया था। तो उसी में मारपीट कर रहे, हमको पता चला गए, जैसे इसको बोला तो हमको बोला कि तुम पास में भिड़ना नहीं, तुमको गोड़ में गोली मार दोगे। तो जैसे इसको हमारे अम्मू झा को मैनेजर साहब को छुड़ाने गए, हमको जो है रड मार दिया इसमें पैर में, हम गिर गए। गिर गए तो हमको गोली सटा दिया, बोला कि तुमको थूक चाटना होगा। थूक चटवाने लगा तो संजीव मिश्रा सर आए, वो बोलने लगे कि इस तरह से मत करो, इसको ईंट से मार करके स्पाइनल गेहूँ कर दिया। अब देखिए किए सर, यही सब है सर। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश पासवान नाम है सर। आप कहाँ काम करते हैं? डॉक्टर प्रीति मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर अमर कुमार के यहाँ स्टाफ। आप अकेले थे उस समय? नहीं सर, बहुत सारा लोग था। अच्छा, तो उसमें कौन लोग घायल हुए, कितने लोग घायल हुए? अंबू झा है सर, अजीत कुमार है और संजीव मिश्रा जी। किस प्रकार से घायल हुए, कहाँ कहाँ जख्म हुआ है, चोट आया? सर फटा है अंबू झा का और मनोज जी का उंगली कटा है, महाराज जो है उंगली टूटा है। कहाँ मार गए आप? थाना कानपुर में? थाना हम SC ST थाना गए केस करने। तो वहाँ के प्रभारी बोले कि आप जो है लोकल थाना से केस कीजिए, यहाँ से नहीं होगा। तो हमको यहाँ भेज दिया, बोला तुम जाओ वहाँ थाना और वहीं से निरीक्षण करेंगे। हम यहाँ आए, प्रभारी साहब बोला वहीं रहना, यही है आए, जैसे बोला तुम यहीं से केस करो। यहाँ FIR हम नहीं करेंगे सर, वो हम अपना कोर्स थाना से केस करेंगे, SC ST थाना से। पहले तो जहाँ मामला होगा उसी थाने में करना, संबंधित थाने में आपको आवेदन देना, पहले तो यही देना होगा। जी भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है। पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में महिला ने कहा कि उसकी शादी 7 वर्ष पूर्व रसीदपुर निवासी शंभू पासवान के पुत्र गोविंद पासवान से हुई थी। उसका पति पुलिस लाइन में रसोईया का काम करता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से पति किसी दूसरी लड़की के संपर्क में है, जिसके कारण उसका 2 बार गर्भपात भी करा दिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि वह न्याय की गुहार लगाने पहले नाथनगर थाना गई थी, जहां से उसे महिला थाना भेज दिया गया, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह थक हार कर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। वहीं SP ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही। जो करेंगे हम करेंगे, जब मेरा पहले वाला जब रखने के लिए तैयार था तो उसको मारपीट किया गया था, तो बेचारा को यहाँ से फिर भागना पड़ गया केरल में, वो ड्यूटी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि हम अपना घर में भी रहते थे तो खींच खींच के उसकी माँ बस कर लाता था, घर में नहीं रहने देता था। मुखिया सरपंच के द्वारा पंचायती किया गया तो वो सबके सामने बोला कि हम रखेंगे, उस बाप खुद बोलता था कि हम रखेंगे, और अभी दहेज के लिए बोल रहे कि नहीं रखेंगे, चाहे जो हो जाए तुमको नहीं पहचान रहे। अब बताइए कि हम कहाँ जाए इतना दिन से, जब वो रख रहा है तो
क्या करता है गोविंद? गोविंद मेस में रहता है, पुलिस लाइन में साल भर से काम कर रहा है। इसके लिए जो कि है आप लोग इसको गिरफ्तार किया जाए। इसका बाप सबसे मेन बाप है इसका और माँ है, यही दोनों उसको सिखा पढ़ा के गुड कर रहा है। जो जो कह रहा है इसकी माँ जो है जितना लड़की से बात करता है उसकी माँ जो कि बात करती है, लड़की है साक्षी प्रिया मुर्गिया चक चंपा नगर की, उसी से बात करता है। 18 वाला नंबर है उसी से बात करता है। लड़की का जिस तरह चीज़ हम पकड़ लिए, मिटान में रहते थे मछली के बगल में, कहाँ में जब हम पकड़ा गया नंबर वहाँ से उसको साथ भाग गया। उसका मोबाइल मेरे पास है, वही बोल रहा है कि हम तुम लोग पर चेक कर लेंगे मोबाइल से। आपकी शादी कब हुई थी इनसे? हाँ इनसे मेरी शादी हुई है वही 2017 में। हाँ 17 में लगभग, ध्यान नहीं आ रहा है। कितने वर्ष बीत गए शादी के? 7 साल हो गए। तो क्या उसमें कुछ आपके बच्चे भी हैं? नहीं बच्चे नहीं। अच्छा तो गर्भपात की भी बात सामने आ रही है? वो दवाई खिला के उसकी मम्मी दो बार कैमरा खत्म कर चुका है। अच्छा